आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ, अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम सैयद इलियास है सर। सैयद इलियास कहाँ पर है, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम हैदराबाद से बोल रहे हैं सर, हैदराबाद से। अच्छा बताएं क्या प्रॉब्लम है। सर एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड एक पोस्ट शेयर किया था सर व्हाट्सएप पे कि कनाडा में एक जॉब ऑफर है कि सिविल का, मैं से कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब करता हूँ, आई एम सिविल इंजीनियर, तो उधर के लिए जॉब ऑफर है बोल के पोस्ट किया था। हम उसको कॉल किया था, कॉल करके वो कंसल्टेंसी का नाम आके विशन वर्ल्ड कंसल्टेंसी पंजाब में है। ओके वो लोग क्या बोला है कि पहले आपको अपना सीवी और अपना पासपोर्ट भेजने के लिए बोला है। सीवी और पासपोर्ट भेजने के बाद वो लोग देखा, उसके बाद 24 आवर्स के बाद मेरे को एक कंफर्मेशन लेटर सेंड किया है, उसमें सैलरी सब कुछ है, कंपनी नाम आके टर्नर है। क्या नाम है कंपनी का? टर्नर। अच्छा कहाँ पर है कंपनी? आए ये टोरंटो में क्या समथिंग है बोल के दिखा रहा है। अच्छा वो ऑफर लेटर में चेक किया सर, उसमें क्या है कंपनी का एड्रेस है बट उसका वेबसाइट और उसका फोन कुछ नहीं है, लैंड पोस्ट बॉक्स नंबर कुछ नहीं है। मैं वो लोग को पूछा था, जो जेन्युइनली जो भी कंपनी ऑफर करता है तो उसका डिटेल्स मेंशन करता है उसमें, एटलीस्ट फोन नंबर नहीं तो भी पोस्ट बॉक्स नंबर और मेल क्या बोलता है वेबसाइट मेंशन करता है, मेंशन नहीं किया बोल के मैं पूछा। नहीं नहीं वो नहीं किया, वो एक्चुअली वो लोग डिस्टर्बेंस रहेगा बोल के वो लोग मेंशन नहीं करेगा, ये जो भी है हमारे थ्रू में ही जाएगा बोल के वो लोग बोल रहे हैं। ओके तो अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें वो कंफर्मेशन लेटर में मेडिकल जाने के लिए बोला है मेडिकल। आपको मैं यही रोक देता, रुक जा भाई स्टॉप। आपने मेरी कितनी वीडियोस देखी अभी तक? तकरीबन मैं एक 10-15 देखा सर। उसमें से कोई ऐसा निकला कि जिसके पास जेन्युइन जॉब ऑफर हो पंजाब से, मोहाली से कोई जॉब निकला अभी तक? नहीं निकला सर तकरीबन। ओके तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम जो आगे डिस्कशन करने वाले हैं उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपने जॉब अप्लाई करी और इंडिया में बैठे बैठे किसी ने कनाडा की जॉब दे दी बगैर किसी इंटरव्यू के, बगैर किसी एग्जामिनेशन के आपको जॉब दे दी, वो बहुत ही एक स्टूपिड आइडिया है किसी का, कैसे जॉब मिल जाती है ऐसे। दूसरी बात यह है कि वो कोई लॉयर नहीं है, कोई ICCRC कंसल्टेंट नहीं है, किसी का कोई लाइसेंस नंबर नहीं है कनाडा का, तो हमें ये नहीं पता कि कौन लोग हैं, किससे डील कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि आपको कोई जॉब ऑफर लेटर देकर जिसमें आपके साइन है वो नहीं कराया, कोई LMIA की कॉपी नहीं दी है, तो ये सब फेक है, सब रेज़ अप ड्रामा है। और मेडिकल करने की जरूरत अभी है नहीं है, जब वर्क एप्लीकेशन जो वीज़ा एप्लीकेशन आपने भरी नहीं है, 12595 फॉर्म आपने साइन ही नहीं किया, तो मेडिकल कराने की जरूरत कैसे पड़ गई? इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि पहले मेडिकल करा दो। और मेडिकल करा कौन रहे हैं? कोई कनाडा के कोई पैनल फिजिशियन है वो करा रहे हैं, कोई और करा रहे हैं, वो सब वो धोखा है। तो आप इस चक्कर में मत पड़ो। कितने पैसे चले गए आपके? नहीं नहीं मैं अभी तक 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं किया। गुड। आप समझदार हो कि आपने 1 रुपये इन्वेस्ट नहीं किया, अदरवाइज लोग तो फिर किसी के 25,000-35,000 फंस जाते हैं, फिर वो निकलते नहीं वापस। इसलिए आप छोड़ो इन सब बातों को, ये सब कुछ निकलने वाला नहीं है। और आप तेलंगाना में क्या करते हो, आप क्या जॉब करते हो? मैं सिविल इंजीनियर हूँ सर। और सर सिविल इंजीनियर के साथ सैलरी कितनी है? सैलरी अभी 25K मिल रहा है सर। 25K में ठीक है, चलो सबकी तरक्की करो, आगे बढ़ो। लेकिन ये जॉब ऑफर तो अभी ये नकली है, और कोई असली जॉब ऑफर हो तो देखो। आपका क्या है उसमें, बैचलर्स डिग्री है आपके, मास्टर डिग्री है? नहीं सर मेरा जनरल डिप्लोमा है सर। और जनरल डिप्लोमा है, अच्छा अच्छा। और IELTS किया, IELTS किया? नहीं किया सर, वो मेरा दोस्त एक किया था, वो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था, वो फेल हो गया, इसलिए मैं भी सोचा करने के लिए बट टाइम मिल रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि आपने, आपका एक्सप्रेस एंट्री में PR हो नहीं सकता, वर्क परमिट आपके पास मिल नहीं सकता, अभी जॉब नहीं है आपको। आपको गैप कितना है आपके पढ़ाई में और अभी मतलब अभी तक काम कितने साल से कर रहे हो? मेरा 5 years हो गया सर डिप्लोमा करे हुए।
2014 में हो गया डिप्लोमा। आप ऐसा करो कि आप IELTS कर लो, IELTS पे ले आओ 6 बैंड ले आओ आप, ठीक है? IELTS में 6 बैंड ले आओ और फिर कोई कनाडा में कोई पढ़ाई कर लो आप, कोई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या कोई पीजी डिप्लोमा, ऐसा कुछ जो जो मर्जी आपको करना है कर लो। और उसके बाद स्टडी वीजा अप्लाई करो, स्टडी वीजा आपका लग जाएगा। अच्छा सर, स्टडी वीजा लग जाएगा सर, उम्मीद तो है लगनी चाहिए। और आपकी इंग्लिश अच्छी हो और आपको अच्छे कोर्स में एडमिशन मिलेगा और पैसे होंगे आपके, फंड्स होंगे तो आपको लग जाएगा। इट इज बेटर देन स्पेंडिंग मनी ऑन वर्क परमिट हियर देयर, उसके बाद फिर स्टडी करने के बाद फिर आप पक्के हो जाओगे। हाँ सर, तो इसमें क्या है सर, मेरे दोस्त लोग बहुत है, एक्चुअली और एक दोस्त का मेडिकल करवाया, 6000 रुपीस लिया है वो मुंबई में, एड्रेस बताया, तो उसका ऑफर लेटर भेजा है। ऑफर लेटर में भी हम ऑब्जर्व किया है, उसमें कोई भी एड्रेस नहीं है और कंपनी का क्या बोलता है कुछ भी वेबसाइट नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरे दोस्त 6000 गए, वो 6000 चले गया मेडिकल का, वो पेपर पकड़ के बैठे रहो, 6000 भी कुछ नहीं होने वाला, वो गए वहां पर। ये सब नकली है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। पुरानी बातें छोड़ दें आप, सब नकली है 100%। मेरे को अभी ये ऐसी इंक्वायरी देखते देखते कम से कम मेरे ख्याल 3 इयर्स प्लस हो गए हैं, 3 इयर्स प्लस ये इंक्वायरी जो आप जैसे बात कर रहे हैं वैसे वो कर, इस वक्त राइट नाउ आई एम इन इंडिया।